कई सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन आंसर काफ़ी अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, और जब वो अच्छी तरह से याद करे हुए आंसर अपने टीचर को सुनाते हैं तो उन्हें आंसर सुनाते टाइम एजिटेशन होती है, डर लगता है, घबराहट होती है, हिचकिचाहट होती है, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से याद करे हुए आंसर भी अपने टीचर को नहीं सुना पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पनिशमेंट मिलती है या फिर टीचर द्वारा उनकी पिटाई होती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो कमेंट सेक्शन में येस नो में आंसर जरूर दीजिए, और आज की हमारी वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि आज की हमारी वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग अपने आंसर को अपने टीचर को बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी घबराहट के सुना पाओगे। सो वो टिप्स कौन सी हैं जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, आपने जो आंसर याद करे हैं उन्हें डायरेक्ट टीचर को ना सुनाकर आपको अपने दोस्तों को अपने याद करे हुए आंसर 2 से 3 बार सुनाना है, या फिर आपको अकेले में अपने याद करे हुए आंसर 2 से 3 बार बोल करके सुनाने की प्रैक्टिस करना है। ऐसा करने से होगा ये कि आपने जो आंसर याद करे हैं उन आंसर के शब्द आपकी जुबान पर अच्छी तरह से बैठ जाएंगे, और जब आप लोग आंसर अपने टीचर को सुनाओगे तो उस टाइम पर आप लोग बीच में ज्यादा अटकोगे नहीं, बीच में ज्यादा रुकोगे नहीं। नंबर 2, जब आप लोग अपने टीचर को अपना आंसर सुनाते हैं तो उस टाइम पर अपने टीचर का फेस देख करके, या फिर क्लास में हो रही एक्टिविटीज को देख करके, या फिर अपने क्लास के दोस्तों को देख करके आपका माइंड जो है डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से आंसर सुनाते टाइम आपके बीच में अटकने के चांसेस या फिर बीच में रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आपको करना ये है कि जब आप लोग अपने आंसर को टीचर को सुनाते हैं तो उस टाइम पर आपको अपनी आंखें बंद कर लेना है, जिससे कि टीचर का फेस आपको दिखाई नहीं देगा और ना ही क्लास में हो रही एक्टिविटीज आपको दिखाई देंगी, जिससे कि आपका पूरा फुल फोकस अपने आंसर को सुनाने पर रहेगा और आप लोगों के बीच में अटकने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। मैं आपको ये टिप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं स्कूल में था और टीचर को आंसर सुनाया करता था तो उस टाइम पर मेरे जो फ्रेंड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा फनी फेस बना करके मुझे दिखाया करते थे, चिढ़ाते थे, जिसकी वजह से मैं आंसर को सुनाते टाइम बीच में अटक जाता था, रुक जाता था। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आपको अपनी आंखें बंद कर लेना है, जिससे कि दोस्तों द्वारा हो रहे डिस्ट्रैक्शन से आप बच सको। नंबर 3, आंसर सुनाने से पहले या फिर आपका चांस आने से पहले आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और ना ही अपने आप को नेगेटिव मोटिवेशन देना है कि अगर मैं आंसर नहीं सुना पाया तो क्या होगा, सर कितने जोर से मारेंगे, सर क्या पनिशमेंट देंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है और ना ही अपने आप को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देना है, बल्कि आपको अपने आप को पॉजिटिव मोटिवेशन देना है, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देना है कि मैं आंसर सुना पाऊंगा क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है, मैंने घर पर याद किया है, मैंने स्कूल में याद किया है, मैंने अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया है, इसलिए मैं सुना पाऊंगा। आपको अपने आप को पॉजिटिव मोटिवेशन देना है, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देना है, जिससे कि आप घबराओ नहीं और जब आप लोग अपने टीचर को आंसर सुनाओ तो उस टाइम पर आप लोग फुल कॉन्फिडेंट होकर अपने आंसर को टीचर को सुना पाओ। सो दोस्तों, यही है वो 3 टिप्स जिन्हें अगर आप लोग अपने आंसर को सुनाने के लिए फॉलो करते हो तो आप लोग अपने टीचर को बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना रुके या फिर बिना घबराए अपने आंसर को टीचर को अच्छी तरह से सुना पाओगे। दोस्तों, आगे से जब भी आप लोग अपने टीचर को आंसर सुनाते हैं तो इस टाइम पर आपको इन 3 टिप्स को फॉलो करना है, आपको पक्का बेनिफिट होगा। और मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।